अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। आज का आगाज़ हुआ था खूबसूरत दिन के साथ। आज थी थर्सडे जुमेरात 18 अप्रैल। तो अल्लाह ताला हम सब को घरों में सुकून और बरकत अता फरमाए, सेहत तंदरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमारी जितनी टेंशनें परेशानियाँ अल्लाह ताला जो जो व्लॉग मेरा देख रहा है अल्लाह ताला उसकी सब टेंशनें परेशानियाँ, घरों की टेंशनें, बाहर की टेंशनें, बच्चों की टेंशन, हस्बैंड की टेंशन सब ख़त्म कर दे। इसके साथ ही मैं आज के साथ आज आपके साथ 2-3 डिशेस रेसिपीज़ के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो, जिसमें बच्चों के लिए सूजी की खीर बनाऊंगी, बच्चों के लिए ही लंच बॉक्स रेडी करूंगी और अपनी वो वुमेन जिनको स्टमक की प्रॉब्लम है, मेदे का मसला है या जिनका सालन खा खा के मिर्चों खा खा के तेजाबियत हो चुकी है, मेदे का अल्सर हो चुका है, उनके लिए मैं स्पेशल सी रेसिपी चटनी की बनाऊंगी। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो वॉच करें और जिसने वॉच अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ठीक है। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, वेलकम करते हैं आपका लाइफस्टाइल इन कलर में। मेरे चैनल का नाम है लाइफस्टाइल इन कलर्स, लेट्स गेट स्टार्ट नो। तो आज के व्लॉग में स्टार्ट ना सूखी सुबह के साथ, मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड गए ऑफिस में और मैं आ गई छत पे, क्योंकि बारिश आने वाली थी तो बारिश कहीं दूर हो रही थी जिसकी वजह से काले बादल आसमान पे छाए हुए थे और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। इतना मज़ा सुकून आ रहा था ना, मैंने तो कोई 10-15 मीटर छत पे वॉक की अच्छे से। जब मैं वॉक कर कुर के अपने कपड़े वगैरह जो मेरे थे तार के ऊपर वो मैंने उतारे और मैं आ गई अपने बेटे को लेके नीचे, तो मैंने कहा मैं रखा ज़रा लंच बॉक्स तैयार करूँ इसको स्कूल भेजे। तो आपके साथ मैं लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये जो वेजिटेबल है मैंने पहले कटिंग कर ली है, पोटैटो जो है वो मैंने पहले अच्छे से इनको बॉयल कर लिया है, उसके अंदर मैंने वेजिटेबल ऐड करके इसमें सारे स्पाइसीज ऐड किए हैं, ब्लैक पेपर, गर्म मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा एंड रेड पेपर। मैं ये बना रही थी घर के लिए कटलेट्स, आपके साथ सीधी बात करूँ तो, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़े से अपनी बच्ची को भी कटलेट्स बना स्नैक्स बना देती हूँ, सैंडविच स्नैक्स, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ और बच्चे अच्छे से स्कूल जाते हैं इस तरह की चीज़ें लेके। थोड़ी सी चटनी ऐड की है, थोड़ी धनिया ऐड किया, नमक ऐड किया, ये मैं बना रही थी घर के लिए कटलेट्स, मैं कट्ठे बना के फ्रीज कर देती हूँ, फिर जब दोपहर को कुछ खाने में नहीं होता तो इनको ही अंडे के साथ फ्राई करके रोटी खा लेती हूँ। सो ये मैं बना रही थी कटलेट्स, कटलेट्स बनाते बनाते मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं हमारा कभी लंच बॉक्स अभी से रेडी कर लूँ सुबह सुबह ही। हमारा के लंच बॉक्स में मैंने इतनी मिर्ची ऐड नहीं थी कि सिर्फ थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली थी, हरी मिर्च डाली थी, नमक, कॉर्नफ्लोर और एक एग, ठीक है। ये डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मैश करके, तो हमारा के लिए थे 2 से 3 उसे मैं सिर्फ देती हूँ डबल रोटी के स्नैक्स, ज़्यादा नहीं वो खाती है, भाई चूज़ी है खाने के मामले में, बहुत ही ना कहते हैं ना वो सोट सोट की रोटी वो वाला हिसाब है, वो इतनी नहीं खाती। 2 स्नैक्स लेके मैंने अच्छी से साइडों से कटिंग कर लिया था, उसके बाद यही वाला जो सारा सामान था इसके ऊपर मैंने लगा के, तो मैं रखा मैंने स्नैक्स ही दिया था वो, उसके बाद मैंने इसको जो तवे के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से इसको सोते करके तो उसको मैंने लंच बॉक्स में रख दिए थे। वो बड़ी खुश हुई और मुझे अब स्कूल से आई तो मुझे कह रही मम्मा मुझे बड़ा मज़ा आया, रोज़ मुझे ऐसे ही बना के दिया करें। आप लोगों को भी अगर समझ ना आए बच्चों को लंच बॉक्स देने की तो आप लोग ऐसे ही उन्हें बना के दें, देखना बच्चे कितने शौक से खाते हैं। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके बेल आइकन पर घंटी दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं चटनी की तरफ। चटनी में ये मैंने बहुत सारा धनिया काट लिया है, ठीक है, ये बहुत सारा पुदीना भी मैंने काट लिया है, ठीक है, प्याज भी 2 से 3 तक काट ली है, लहसुन, हरी मिर्चें भी फ्रीज की हुई निकाल ली है, नमक, रेड मिर्च और ये लेमन का रस, ठीक है। ये मैंने सारा कुछ सब कुछ डिवाइड करके मशीन में डाल के इसे अच्छी सी मशीन चला दी। आगे भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर किया, लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरी इस रेसिपी को नहीं देखा ये बहुत ही स्पेशल चटनी है। थोड़ा सा टमाटर भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, पेस्ट टमाटो का करना है वो कर लें, पूरा टमाटर ऐड करना है वो कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने करके चटनी अच्छी सी बना के, तो मैंने इसको डब्बी में कर लिया था सेव और फ्रीज़र में रख लेती हूँ, 15 से 20 दिन मेरे आसानी से गुजर जाते हैं। उसके बाद दही लेती हूँ, थोड़ी सी चटनी अंदर ऐड करती हूँ, तो उसके साथ ही रोटी खानी है रोटी खा सकते हैं, टिक्कियाँ खानी है टिक्कियाँ खा सकते हैं, स्नैक्स खाने हैं स्नैक्स साथ मिला के खाने हैं। और जिनको मैदे का मसला है, मुझे तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल, अल्लाह ना ही करे, तो जिनको मसला है मैदे का वो इतना बना के तो अच्छे से चटनी के साथ रोटी खा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सूजी की खीर की तरफ। ब्लाज जो है ना जो बड़ा होता जा रहा है ना,
उसकी ना से डाउन होती जा रही है, वीक होता जा रहा है, तो मुझे ना टेंशन होने लग गई। मैंने उसके लिए सूजी की खीर बनाई है। मैंने कहा क्यों ना उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। सूजी की खीर के अंदर मैंने सूजी को अच्छे से भून लिया, ड्राई रोस्ट से कहते हैं वो, कर लिया। इसमें उबलता हुआ 3 से 4 कप तो नहीं था, 3 से 4 मतलब स्मॉल कप मैंने इसमें दूध डाला था, तो अगर पक के आधा रह जी। थोड़ी सी मैंने इलायची डाली थी, थोड़ी सी चीनी, शुगर डाली थी। शुगर अपने हिसाब से आप लोग डाल लें जितनी आपको पसंद है। ब्लाज छोटा था ना 5 से 6 मंथ तक, मैं इसको यही बना के देती थी। इसकी सेहत बोली माशाल्लाह अच्छी हो गई थी। मुझे अब खुद फील हो रहा है कि मेरा बेटा ना वीक होना शुरू हो गया, तो उसके लिए सूजी की यह खीर बनाई है। तो ये अब अपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं, तो ये ठंडी होकर बिगाड़ी हो जाएगी। उसके बाद हो गया था रात का टाइम, और यहाँ नमाज़ें भी सारी पढ़ ली थी। कहीं आप लोग को इसने नमाज़ें तो पढ़ी नहीं, पूरी घर की सटोरी इसने सारी हमें सुना दिया। यहाँ मैं अपना मी टाइम इंजॉय करती हूँ अपनी स्मूथी के साथ। स्मूथी की रेसिपी भी मैंने अपने आपके साथ शेयर की हुई है, आप लोग भी। यहाँ स्मूथी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, क्योंकि रमज़ान में मेरी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती थी, मैं वो रात को बना के पी के सोती थी। लेकिन आप भी बच्चों के साथ पूरा दिन भाग दौड़ मदर्स करती हैं, उन्हें अपने लिए टाइम नहीं मिलता। अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, मैं बार बार आपको कहती हूँ। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी, अगर आप अपने लिए केयर नहीं करेंगी, तो कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा, ना ससुराल से, ना हस्बैंड, ना बच्चे, कोई भी नहीं किसी का होता। सीधी बात है, आप अपना ख्याल खुद रखना सीखें। अपना जितनी भी आप टेंशन में हो, आप अपना ख्याल खुद रखें। और ये मैं जूस बनाकर पीती हूँ, इससे मेरी थकावट भी दूर हो जाती है, मेरी टेंशन भी रिलीज हो जाती है। आप लोग भी बना के पिए। अगर पूरे व्लॉग में आपको मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही अपनी बहन को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। क्योंकि आप खुश रहें, अपने घर वाले खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें, तो मेरा व्लॉग देख के थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। मुझे आप लोगों से और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़, ये मान ला।